Hey guys, good morning, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you guys are doing good. तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं अभी से, जो कि बजे 7:30 और मैं ना अपना पियानो लेके बैठ चुका हूँ ताकि मैं अपना रियाज कर सकूँ. वैसे रियाज बहुत पेशेंस वाला चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक सुर को बहुत बार करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा नींद आने लगता है. तो ठीक है, अभी के बाद रियाज कर लेते हैं और मैं जल्द ही अपने म्यूजिक चैनल से एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसकी प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी है. अभी मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या गाऊंगा कैसे गाऊंगा, बस ये सोचा कि हाँ गाना है तो हाँ उस पर भी आ जाएगा वीडियो. और आप सब भी अपना डे सही रखो, आप सब भी खुश रहो सब लोग. सो गाइस, पढ़ाई वढ़ाई तो हो चुकी है और देवांश भी अपना खेल रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है खेलने में मज़ा आता है. हाँ, और यहाँ पे लूडो चल रहा है. एक्चुअली हमारे घर में दो लूडो है, हमारे घर में बहुत मतलब सबको लूडो ही पसंद है, तो दीदी सब लोग वही खेलती रहती हैं और कुछ मतलब ऐसा कोई डिजिटल गेम नहीं पसंद है. ये ज़्यादा पसंद है, सबसे बेस्ट ये लगता है इन लोग को, इस वजह से ये लोग ज़्यादा खेलते हैं. तो गेम बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, अभी अभी एक गेम हुआ है और दूसरा गेम स्टार्ट हो चुका है. तो उसके बाद सोचा हमने कि चलो चलते हैं नानी के घर, पर जाना है कि हमने तो व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया. तो फिर बाइक पे बैठते बहुत आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने इससे वॉइस रिकॉर्ड. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भैया बहुत ही बड़े दिल वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि लाओ एक आदमी को लिफ्ट दे दिया जाए जो पैदल जा रहा था उस धूप में. तो अभी नानी के घर पहुँच चुका हूँ, लेकिन वहाँ का सीन नहीं दिखाने वाला क्योंकि नानी का है तबीयत ख़राब और उनका तबीयत ख़राब है, तो अब तुम लोग को वो थोड़ी दिखाऊँगा कि मूड तुम लोग का भी ऑफ हो जाएगा. मतलब हो रही है बात, और देखो मेरे बाल बिगड़ चुके हैं बाइक से चल के. तो अभी चलता हूँ, थोड़ा चेहरा वाला धो देता हूँ, फिर रुकते हैं वहाँ पर बात करते हैं. भाई अभी ये देखो यहाँ पे फूल लगे हैं, ये इसके पीछे का है एरिया यहाँ का, और यहाँ पे नल है और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं गाँव के. देखो ये फूल हैं यहाँ पे, मुझे भी फूल चाहिए थे यार गुलाब के. तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, हम बात करते हैं सभी लोग से. हमारे जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो भी आए हैं तो उनसे भी बात करते हैं, और बगल में हमारे जो एक रिलेटिव और उनसे भी बात करते हैं. सबसे बात वात करके फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ का ज़्यादा सीन क्या दिखाऊँगा, घूमने तो मैं कहीं जाने रहा बस. सो गाइस, नानी के घर जाकर बहुत मज़ा आया, तो हमने सोचा कि लाओ कुछ सीन्स ले लिया जाए, तो जो कि हमने आपको दिखा दिए. और तो जितनी भी बाइकें होती जिनकी भी सर्विसिंग करानी होती है वो यहाँ आती हैं और यहाँ पर सर्विसिंग की जाती है. बाकी जितने भी कंप्यूटर सब यहाँ पे होते हैं. यहाँ पे मैं घूम घूम के दिखाने नहीं वाला वैसे कुछ, तो बंद करते हैं ठीक है, बाद में बात करते हैं. वैसे भी सब लोग देख रहे हैं तो बहुत ऑकवर्ड हो रहा है. सो हे गाइस, हम नौगढ़ में हैं और यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है ना भैया, ये मेडिकल कॉलेज है जो कि अभी जल्दी ही बना है और हम अभी घूम रहे हैं. बस मैंने क्या होता है, अब अभी हम घूम ही रहे हैं और देख रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को. यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वुलिस के लोग हैं और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज था. चलो देखते हैं, अगर कहीं ऐसा जगह दीजिएगा जहाँ पर बनाने लग रहेगा तो नहीं बनाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए राजू मिश्रा के साथ. तो ये वो जेल है जहाँ के कैदियों को रखा जाता है, जहाँ कैदियों को रखा जाता है. बेसिकली जो क्रिमिनल जो होते हैं उन्हें यहाँ पे लाया जाता है, और यही वो जेल है जो इतनी बड़ी दीवार को लेकर खड़ा है जिसे पार करना लगभग बिना किसी हेल्प के पार करना तो नामुमकिन है. अपने सिद्धार्थ नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी वहाँ पे बैठते हैं, उनका ऑफिस है ना वो,
वो है उनका ऑफिस, ये अलग पार्क है, मैं कभी आया नहीं, मैं तो आ जा रहा हूँ वैसे। ये तो पार्क है और वहाँ जो मैंने दिखाया बिल्डिंग, वहाँ पर बैठते हैं बेसिक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो देख लो, मतलब ये वो रोड है जहाँ से हम लोग आए हैं, और यही मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो मैंने दिखा दिया। तो चलो देखते हैं पार्क में क्या क्या है। देखो यहाँ पे बैठने के लिए भी अरेंजमेंट की गई है, और यहाँ से कई सारे पेड़ लगे हैं जिन्हें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, अलग ही मज़े यहाँ के। और यहाँ पे खेलने वेलने के लिए कुछ है, और कुछ नादान बालक और बालिका यहाँ पे खेल रही हैं। चलो अच्छा है, चैलेंज भी हो रहा है, बढ़िया। और हम तो ऐसे ही जस्ट लॉन्ग वॉक पर निकले हैं और देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, क्या कौन सा कहाँ है, अच्छा लग रहा है देख के वैसे। और यहाँ पे देखो पार्क भी है जहाँ हम सब एक्सरसाइज और बैठ के बातें कर सकते हैं बहुत सारी। ये देखो पार्क तो वैसे बहुत बड़ा है, यहाँ आना अच्छा ही है, यहाँ आना चाहिए, मज़ा आएगा यहाँ पे आके। वैसे अगर मैं नागढ़ में रहता ना तो मैं तो अक्सर यहाँ आता ही रहता, क्योंकि अच्छी जगह है ये। और ये देखो मुझे क्या दिखे, एकदम बढ़िया वाले फूल, एकदम गजब के। तो यहाँ सब भी फूल हैं और वहाँ पर भी हैं, और यहाँ पे कुछ आवाज़ें हो रही हैं जो उधर से आ रही हैं, बट ये फूलों को देख के अलग ही वाइब आ रहा है। तो अगर कभी भी यहाँ आओ ना, मतलब नागढ़ में जब भी आओ, तो इस पार्क को देख लेना और बस आराम से चलना एकदम, और देखते रहना सब कुछ ना, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम से अलग ही वाइब आएगी, मज़ा बहुत आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग को फ्लावर्स अलग तरीके के दिख रहे हैं, वहाँ रेड थे, यहाँ पिंक आ गए, और देखो यहाँ वाइट आ गए, फिर से रेड, ये अलग है। ऐसे बहुत ही अच्छी जगह है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है ये, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है वैसे। देखो यहाँ विश्राम गृह बनाए गए, मतलब बैठने के लिए, आराम करने के लिए। और हमें सामने ही दिखा एक स्टैचू, चलो उसके पास चल के दिखाते हैं, बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। सो गाइस घूमते घूमते हमें दिखा है लॉफिंग बुद्धा का स्टैचू, शायद इसे वही बोलते हैं, हाँ वही बोलते हैं। तो देखो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब मैं तुम लोग को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सजेशन ये है कि तुम लोग जब भी नौगढ़ में आओ तो इस पार्क को एक बार ज़रूर आके देखना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पर इसके उधर भी है एक पार्क जो मैंने उधर दिखाया था, ग्राउंड उधर है और एक ग्राउंड इधर है, भाई साहब बहुत अच्छी जगह है ये। सो गाइस अभी हम आए हैं नौगढ़ के मॉल में, पता नहीं क्या नाम है, वन मार्ट, वन फैमिली मार्ट है नाम। हम लोग इसके छत पे जा रहे हैं, देखो कुछ ऐसा दिखता है, मैं हाँ ये मैन का है, अच्छे लग रहे हो, ये तो सोने का बना है। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सोच रहा हूँ सब कुछ दिखा दूँ। Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, more renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. भगवान है, हमें देखिए बुद्ध भगवान की, भगवान जब पहले सुधार थे, हाँ
जब वो बुद्ध नहीं बने थे। अच्छा, वो ज्ञान प्राप्ति से पहले। हाँ, उनका नाम सिद्धार्थ था। हाँ, तो वही है, वो हंस जब बचाए थे। अच्छा अच्छा, वो तीर लगा था। तो चलते हैं बुद्ध भगवान का दिखाते हैं। सो गाइस देख लो, ये है बुद्ध सिद्धार्थ, बुद्ध भगवान की मूर्ति, जब उनका नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने हाथ में अपने पकड़ रखा है हंस, जिसको इन्होंने बचाया था। तो सही लग रहा है एकदम, बिल्कुल बाकी ये मोड़ है पूरा। सो हे गाइस, हम सब घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंच के थोड़ा शांति मिल रहा है। वैसे आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, नए नए जगह दिखाई हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल मेरे तो सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।